खबर शामिल करते हैं उज शरीफ से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इरफान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी और कौमी असम्बली के उम्मीदवार मखदूम सईद अली हसन गिलानी, उम्मीदवार एम पी ए मियाँ राफत और रहमान रहमानी, सईद आमिर शाह ने पार्टी वर्करों हामियों आमना नजर मियाँ बलीगुर रहमान रहमानी, हुसैन नादर, मखदूम सईद हसनात बुखारी, मखदूम सईद अली हैदर बुखारी, खलील कम्बो, मियाँ राफत और रहमान रहमानी, मेहर सलमान, इसाक उमर खरल, अली रजा बाजवा, दीगर कसीर अफराद में और मोटरसाइकिलों पर काफिले की सूरत में अहमदपुर शर्किया आर ओ ऑफिस पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर एडिशनल डेप्टी कमिश्नर सरवर डेडी को कौमी असम्बली की सीट पर इलेक्शन लड़ने के कागजात जमा करवाए, जबकि सूबाई असम्बली उम्मीदवारों ने असिस्टेंट कमिश्नर रिटर्निंग ऑफिसर तारक जावेद के पास कागजात जमा करा दिए हैं। इस दौरान हामियों की बड़ी तादाद ने अली हसन गिलानी और मियाँ राफी और आमिर अली शाह के हक में जीत के नारे लगवाए। इस दौरान उम्मीदवार कौमी असम्बली मखदूम सैयद अली हसन गिलानी ने कहा कि इंशाल्लाह 8 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की जीत का सूरज तुलू होगा और मुल्क भर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो होंगे।